रिलीज फिल्म विक्रम जब रिलीज हुई थी तो उसने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने की कसम खा ली थी। और इससे पहले कि ये फिल्म थिएटर से बाहर होती, इसे पहले ही हॉटस्टार, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ कर दिया गया था। अब अगर हम देखें तो फिल्म विक्रम की कहानी है तो बहुत ही सिंपल सी, लेकिन इस फिल्म में कुछ ऐसी खूबियाँ हैं जो फिल्म डायरेक्शन सीखने वाले लोगों को बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। इस फिल्म में घटनाओं के थ्रू फिल्म की कहानी दर्शकों तक पहुंचाई गई थी, ना कि किसी वॉइस ओवर और सूत्रधार की मदद से। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं कि ये फिल्म कुछ खास थी, और साथ ही साथ इस फिल्म में बहुत सारी सक्सेसफुल वेब सीरीज़ और फिल्म्स को भी ट्रिब्यूट दिया गया था, जिससे कि इस फिल्म में यंग जनरेशन से लेकर कमल हसन के फैंस सभी पूरी तरह से जुड़े रहे। इंडियन फिल्म्स ने ब्लैक ऑप्स या गुप्त विभाग के ऑपरेशंस को बहुत थोड़ा काम किया गया है, लेकिन फिल्म विक्रम में ब्लैक ऑप्स को बहुत ही सलीके से दिखाया गया है। 1986 में कमल हसन की फिल्म विक्रम नाम की फिल्म ही रिलीज़ की थी। उस फिल्म में भी कई खास बातें थी। ये फिल्म डिंपल कपाड़िया की पहली तमिल फिल्म थी। पुराने विक्रम में कमल हसन को रॉक कमांडर के रूप में दिखाया गया था, और इस वाली फिल्म में भी वो 1987 में बनी ब्लैक ऑप्स की टीम के हेड है। नई वाली फिल्म विक्रम पुरानी वाली फिल्म विक्रम के निर्देशक लोकेश कनकराज का सलाम कहा जा सकता है। इस फिल्म में कमल हसन तो कमाल के हैं ही, लेकिन जिन दो कलाकारों ने स्क्रीन को हिला के रखा है वो है मलयालम सुपरस्टार फहद और तमिल तेलुगु मलयालम फिल्मों में अव्वल दर्जे के अभिनेता विजय सेतुपति। कमल हसन के अभिनय के बारे में कुछ भी कहना गलत होता है, लेकिन फिल्म में सफलता ने कमल की जिंदगी पर क्या अद्भुत प्रभाव डाला है। फिल्म हिट होने के बाद एक इंटरव्यू में कमल ने ये कहा है कि बतौर प्रोड्यूसर जो वो इस फिल्म से कमाएंगे उससे वो अपने सारे कर्जे उतारेंगे और बढ़िया का खाना खाएंगे। सब जानते हैं कि कमल की पिछली कई फिल्म्स बड़े बजट की सुपर फ्लॉप रही है, ठीक हिंदी फिल्मों में देवानंद की।